हाय एवरीवन माय नेम इज़ पूजा प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो नेचुरल मेथड्स हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसके रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं वेल well, एवरीवन आज हम प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपागेशन के मैथड को ही कंटिन्यू करते हुए आर्टिफिशियल मैथड ऑफ प्रोपागेशन को डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल मैथड ऑफ प्रोपेगेशन इज दैट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स दैट इनवॉल्व ह्यूमन इंटरवेंशन वेजिटेटिव प्रोपागेशन के मैथड से जो रेज की गई जो हो like पॉपुलेशन होती है दैट प्रोजेज द सेम करेक्टर्स लाइक देयर पेरेंट्स एंड सच आर जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन रेज फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट बाई वेजिटेटिव मैथड इज नोन एज क्लोन्स और प्रेजेंट डे गार्डनर्स और हॉर्टिकल्चर इसी मैथड का यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल प्लांट्स फॉर देर कमर्शियल परपज एंड दीज मैथडस आर रियली मेड फॉर क्विक प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स कंबाइनिंग गुड क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज फेवरेबल ट्रीज आर रिपीटेडली रिप्रोड्यूस्ड बेस्ट मैथड फॉर ग्रोइंग कमर्शियल क्रॉप्स होलीस होली अगर मैं कहूँ तो कमर्शियल वेराइटीज़ को कम समय में लार्ज स्केल पर प्रोपोगेट करने के लिए ये मैथड को एक्सेलेंट माना जाता है आर्टिफिशली हम प्लांट्स को पाँच मेन तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कटिंग लेयरिंग ग्राफ्टिंग बर्ड ग्राफ्टिंग प्लांट टिश्यू कल्चर तो सबसे पहले हम बात करते हैं कटिंग की इस मेथड में हम प्लांट के स्टेम कटिंग रूट कटिंग या लीफ कटिंग को यूज करते हैं फॉर द प्रोपकेशन ऑफ प्लांट्स और इन तीनों में स्टेम कटिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है जैसे शुगर केन में रोज में बोगेनविलिया ग्रेप्स इनमें स्टेम कटिंग का प्रोसेस देखा जाता है फिर कुछ प्लांट्स जैसे सिट्रॉन हो गया टैमरिंड हो गया इनमें रूट कटिंग्स यूज़ की जाती हैं और जैसे ब्राइफाइलम हो गया मैग्नोनिया हो गया ग्लोसिनिया हो गया इनमें लीव कटिंग का यूज किया जाता है दैन नेक्स्ट मेथड आता है लेयरिंग लेयरिंग में द प्लांट विच इज़ टू बी प्रोपोगेटेड उसकी जो स्टेम ब्रांच होती है उस पर आर्टिफिशली रूट्स को इंड्यूस किया जाता है फिर उस ब्रांच को पेरेंट प्लांट से डिटैच करके इंडिविजुअली ग्रो कराया जाता है अब लेयरिंग दो तरह की होती है माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग माउंट लेयरिंग की अगर हम बात करें तो उसमें प्लांट की जो लोअर ब्रांच होती है उसको पार्शियली डिफोलिएट करके बैंड किया जाता है फिर उसमें एक इंजरी करी जाती है और इंजरी करने के बाद उसको लाइट लेयर ऑफ मॉय सॉइल से कवर कर दिया जाता है फिर आ, उसको ऐसे कवर किया जाता है कि उसकी जो ग्रोइंग टिप होती है वो सॉइल सरफेस से बाहर होनी चाहिए फिर कुछ दिनों बाद वो जो पैक्ड पोर्शन होता है मतलब वो पोर्शन जो सॉइल के अंदर होता है दैट डेवलप्स एडवेंटिशियस रूट्स और फिर उसको पेरेंट प्लांट से डिटैच करके इंडिविजुअली ग्रो कराया जाता है माउंटलेरिंग करी जाती है हर्बेशियस प्लांट्स जैसे जैस्मिन में ग्रेप वाइन चेरी स्ट्रॉबेरी एट्सेट्रा अब जो इंजरी होती है वो तीन तरीके से करी जाती है फर्स्ट इज रिंगिंग टंगिंग एंड नॉचिंग रिंगिंग में क्या किया जाता है स्टेम ब्रांच विच इज़ टू बी प्रोपगेटेड उसके अराउंड सर्कुलर मैनर में बार को रिमूव किया जाता है देन उसकी बेंडिंग और पैगिंग करी जाती है टंगिंग में बेंड ब्रांच पे एक ओब्लिक अपवर्ड कर दिया जाता है और नॉचिंग में ब्रांच को बेंड करके उस पर एक वी शेप कर दिया जाता है दैन नेक्स्ट इज एयर लेयरिंग एयर लेयरिंग उन प्लांट्स में आ, करी जाती है जिन प्लांट्स में प्लांट के लोअर ब्रांच बेंड करने पे सॉयल तक नहीं पहुंचती है इस मेथड में एरियल ब्रांच की जो बार को सर्कुलर रिंग मैनर में रिमूव किया जाता है फिर उसको ग्राफ्टिंग लेयर से कवर कर दिया जाता है फिर उसके ऊपर पॉलीथीन शीट से रैप कर दिया जाता है फिर कुछ दिनों बाद ये एडवेंटेशस रूट्स डेवलप करती हैं फिर उसको पेरेंट प्लांट से डिटैच करके उसको सॉयल में इंडिविजुअली ग्रो कराया जाता है नेक्स्ट मेथड आता है ग्राफ्टिंग दिस इज द ओल्डेस्ट नोन मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन और ये मेथड को आपने अपने आसपास देखा भी होगा इस मेथड में दो प्लांट को ज्वाइन करके एक प्लांट बनाकर ग्रो करवाया जाता है लेकिन इसमें दोनों प्लांट्स क्लोजली रिलेटेड वेराइटीज होती हैं जैसे मान लो कि एक वेरायटी वाइल्ड वेरायटी और दूसरी वरायटी जो होगी वो कल्चर्ड वेरायटी होती है इसमें जिस प्लांट की रूट ली जाती है उसको स्टॉक बोलते हैं और दूसरे प्लांट की ट्विक ली जाती है जिसे हम स्कैन बोलते हैं जनरली स्टॉक कंटेनिंग जो प्लांट होता है दैट इज़ वाइल्ड वराइटी एंड द ट्विक कंटेनिंग प्लांट इज कल्चर्ड वराइटी और वी कैन से द प्लांट विद बेटर करेक्टर्स इसमें एग्जाम्पल आती है मैंगो रोज एप्पल पियर प्लम पीजेज एसेट्रा और ग्राफ्टिंग करने के बाद इस ग्राफ्ट को कवर कर दिया जाता है एक लेर बैग से या फिर क्ले से जिससे ताकि वाटर की इवेपोरेशन ना हो और किस तरीके की पैथोजन के एंट्री से वो ख़राब ना हो जाए अब ग्राफ्टिंग भी चार मेन तरह से होती है टंग ग्राफ्टिंग वेज ग्राफ्टिंग क्राउन ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग और साइड ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग में स्टॉक और स्काइन को ओब्लिक कर दिए जाते हैं सेम एंगल पे और वेज ग्राफ्टिंग में वी शेप्ड नॉच होती है वो स्टॉक पे डेवलप करी जाती है और वेज शेप्ड जो कट होता है वो स्काइन पे बनाया जाता है और क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है जो स्काइन होता है उसके ऊपर एक से ज़्यादा वेज शेप्ड कट दिए जाते हैं फिर उसको स्टॉक के ऊपर स्लिट्स बनाई जाती हैं और उनके बीच में उसको ग्राफ्ट किया जाता है और लास्ट आता है साइड ग्राफ्टिंग साइड ग्राफ्टिंग में स्टॉक के ऊपर एक लेटरल स्लिट बनाई जाती है जिसके ऊपर स्काइन हैविंग द वेज शेप्ड कट इज ग्राफ्टेड नेक्स्ट इज बर्ड ग्राफ्टिंग ये मैथड ग्राफ्टिंग की तरह ही होता है बट यहाँ पे जो स्काइन रहता है वो एक बर्ड की फॉर्म में रहता है यहाँ पे जो स्टॉक होता है उसके ऊपर एक छोटा सा इंसीजन बनाया जाता है और इंसीजन जो होता है वो कैम्बियम तक अंदर जाता है फिर जो स्काइन का जो बर्ड होता है उसको लिया जाता है और उसको उसी इंसीजन में इंसर्ट कर दिया जाता है और बाहर से वो जो बर्ड होता है वो एक्सपोज रहता है फिर इस ग्राफ्ट को बाहर से बैंडेज कर दिया जाता है और कुछ हफ्तों बाद जब ये बर्ड ग्रो करना शुरू हो जाता है फिर स्टॉक का जो अपर पोर्शन होता है जस्ट अबव द ग्राफ्ट इज़ रिमूव्ड Then last one is plant tissue culture, which is also called as micro propagation. इस method में desired plant के कुछ cells या tissues को लिया जाता है Then these cells are tissue are made to grow on a agar medium. After some time, these cells results into the formation of undifferentiated mass of cells that is called as callus. फिर इस callus को hormonal treatment दिया जाता है और ये root और shoot develop करता है फिर इससे तैयार हुई छोटी छोटी जो plantlets होती हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है नर्सरी बेड में देन फॉम देअर देअर कमर्शियलाइज नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम